Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your accounts class of class 11 and हमारा discussion हो रहा है chapter number 6 में, जिसका नाम है accounting procedures, that is rules of debit and credit. Last video में भी हमने दो questions देखा और आज के video में भी हम questions को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. मैं आपको ट्रांजैक्शंस बताती हुई चली जाऊंगी. स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट. आपको अकाउंट का नेचर बताना. नेचर मतलब रियल है, नॉमिनल है या फिर पर्सनल है, ये नेचर होता है. ठीक है, तो आपको नेचर बताना है एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. और आपको ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. क्या है? मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश में. तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था? जब भी कोई कैश में बिजनेस स्टार्ट करता है तो दो चीजों में उसका इफेक्ट दिखाई देता है. पहला तो एक कैश अकाउंट क्रिएट हो जाता है एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाता है. अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने ये पढ़ चुका है. ठीक है, पढ़ चुके हैं आप लोग ये सब. अकाउंटिंग इक्वेशन में दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि कैश अकाउंट का नेचर क्या है. तो ये हमारा असेट्स है. असेट्स कहाँ जाता है? रियल अकाउंट में. ठीक है, और कैपिटल में तो नाम इन्वॉल्व होता है, किसी इंसान के नाम पे होता है कैपिटल या फिर प्रोप्राइटर के नाम पे होता है, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट. ठीक है, अब हम देखिए ये जो कैश है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. ठीक है, एंड कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लायबिलिटी होता है कैपिटल. ओके, तो ये चीजें हैं. अभी आपको क्वेश्चंस में ये भी दिखा दिया हुआ है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और उसमें लिखा हुआ है ₹5 लाख. ठीक है, तो अब क्या होगा? आपका कैश 5 लाख से डेबिट होगा एंड कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट होगा. तो हम लोग जो डबल एंट्री का सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, वो दो जगह अपना इफेक्ट दिखाई देता है. ठीक है, अगर कोई अकाउंट एक बार डेबिट होता है तो एक बार क्रेडिट भी होता है. तो आपको देखो मैंने प्रूव कर दिया ना, एक ट्रांजेक्शन उठाया, उसका दो इफेक्ट दिखाया, उसके दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है वो भी दिखाया, और डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है. दैट मीन्स ये 5 लाख एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा. क्यों होगा? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और ये प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाते हैं. ओके, और ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स का डुअल इफेक्ट होता है. अगर कोई ट्रांजेक्शन्स एक बार डेबिट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जा करके एक बार क्रेडिट जरूर होगा. ओके, अब हम नेक्स्ट कराते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. ठीक है, हमने परचेज किया गुड्स को कैश में. ठीक है, तो कितने का था यहाँ पे लिखा है अमाउंट 1 लाख. ठीक है, आपने गुड्स, आप सपोज आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप मार्केट जाते हो कोई भी गुड्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए. ठीक है, तो क्या चीजें होंगी? आप पैसा दे दोगे किसी को. ठीक है, आप किसी को पैसा दोगे और इन रिटर्न आपको वो इंसान सामान देगा. ठीक है, परचेज करते हो तो क्या करते हैं कि आप क्या करोगे, किसी को मनी दे देते हो जो आपके पॉकेट में होता है, और वो जो इंसान उसके पास जो सामान है, सेलर के पास जो सामान है, आप उसको अपने पास रख लेते हो. ओके, तो यहाँ पे भी देख रहे हो दो अकाउंट को इफेक्ट हो रही है. पहला तो परचेजेस अकाउंट, आप लोग परचेज कर रहे हैं,
एंड दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। अगेन कैश जो क्या है, रियल है, ठीक है, रियल अकाउंट है, और हमारा क्या है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, परचेजेस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, ठीक क्या है आपके लिए, एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है, क्लियर। कैश असेट्स होता है इसलिए रियल अकाउंट में आता है, परचेजेस एक्सपेंस होता है इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो अब परचेजेस जो एक्सपेंस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट में, जो एक्सपेंस होती है। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट की भी रूल्स को यहाँ पे याद करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम बोलते थे ना वहाँ पे। एंड यहाँ पे ये जो हमारा कैश है, ठीक है, ये घट रहा है। कैश क्या हो रहा है, हम तो किसी को कैश पेमेंट करते रहे हैं तो हमारी जो असेट्स है वो डिक्रीज हो जा रही है, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, क्रेडिट वॉट गोज आउट, जो जा रहा है बार उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपने जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सारे के रूल्स लिखे हुए थे उसको क्या करो, सामने रख लो एंड उसको पढ़ने की कोशिश कर करके आप बना सकते हो। थर्ड इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। आपने क्या करा, गुड्स सेल कर दिया, अपने दुकान में बैठे हुए हैं और क्या हुआ, किस कोई कस्टमर आया आपके पास एंड आपने क्या कर दिया, उसको गुड्स सेल कर दिया एंड कैश में किया है, ओके। मतलब उसके बदले आपको क्या मिला है, कैश मिला है। तो दो चीजें हुई, आपके पास कैश आया एंड आपने सेल करा, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई, आपके पास कैश आया एंड आपने सेल करा, ठीक है। अब ये जो कैश है वो कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा, रियल अकाउंट, ओके। ये जो कैश है, क्योंकि कैश क्या होता है, अगेन असेट्स होती है, एंड ये जो सेल्स है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट को करेगा, क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए रेवेन्यू है, ठीक है, या फिर इनकम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कौन से अकाउंट को करेगा, नॉमिनल, ठीक है। अब आपको बताना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हमारे पास कैश आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। एंड नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब मैं फोर्थ लिख रही हूँ, फोर्थ है आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, क्या हुआ कि मुझे राम नाम के किसी इंसान से इंटरेस्ट मिला और राम ने क्या किया, मुझे इंटरेस्ट कैश में दिया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश में दिया है। तो अभी फिर से यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, क्या है, मेरे पास कैश आ रहा है एंड क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ओके, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो हम अगेन करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड इसको इंटरेस्ट को हमारा इनकम है इसीलिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि ये कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कैश लिया है तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आ जाता है एंड इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल था कि सारे इनकम एंड गेन्स को हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो हम लोग अगेन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देन फिफ्थ इज सोल्ड
sold goods to Ashok. Sold goods to Ashok. हमने क्या करा? अशोक को गुड्स बेचा. क्या करा? अशोक को गुड्स बेचा. जब मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, आप बताओ, आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो कोई सामान लेने, तो क्या वो आपका नाम लिखता है? नो. ठीक है, अगर आप किसी से उधार में सामान नहीं लेते हैं तो कभी भी आपका नाम नहीं लिखा जाता है. ठीक है, बट आप किसी से उधार में सामान खरीदते हो तो वो आपका नाम, पता, डिटेल सब कुछ लिख लेते हैं. ठीक है, 60,000 की गुड्स, सोल्ड गुड्स टू अशोक, 60,000. ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं. एक तो अशोक को हम सामान बेच रहे हैं एंड दूसरी हमें क्या हो रही है, सेल कर रहे हैं, सेल्स है. ठीक है, तो ये जो अशोक नाम है तो दैट इज पर्सनल अकाउंट. ठीक है, एंड सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, अगेन हमारा जो ये जो सेल है वो रेवेन्यू कहलाता है, तो नॉमिनल अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो 60,000 को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. और इधर जो अशोक है ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन. देन नंबर 6 देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश. परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, व्हाट इज द अमाउंट, 50,000. 50,000 का फर्नीचर हमने क्या करा, कैश में खरीदा. ओके, तो यहाँ पे फिर दो चीजें हो रही हैं. हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है एंड कैश हमारे पास से जा रहा है. अब अगेन फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि हम सारे असेट्स को रियल अकाउंट मानते हैं. दिस इज ऑल्सो रियल अकाउंट एंड दिस इज ऑल्सो रियल अकाउंट. ठीक है, बट एक आ रहा है और एक जा रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, अब हमारा लास्ट वाला है 7th. ठीक है, लास्ट है पेड वेजेस. हमारे यहाँ पे कोई मजदूर काम कर रहा था. ठीक है, हमने क्या किया, वो हमारे यहाँ पे पूरे 2 महीने काम किया. ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, वेजेस पे किया. ठीक है, वेजेस पे किया. अगेन यहाँ पे भी दो चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर. यहाँ पे दो चीज़ें अगेन हो रही हैं. क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं. और पे कैसे करेंगे, किसी को कैश देंगे तभी तो वेजेस पे होता है. तो हम वेजेस पे कर रहे हैं एंड इन रिटर्न हमारे साथ पास से कैश जा रहा है. ठीक है, तो कैश इज रियल अकाउंट यू नो एंड वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एंड कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, ये हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.